नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लगातार कई दिनों से अलग अलग एजेंसियां साफ सफाई प्रदूषण को लेकर रिपोर्ट पेश कर रही है साल के अंत में, और पटना हर मानदंड पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो साफ सफाई का मामला हो, वो प्रदूषण का मामला हो, हर चीज में पटना सभी शहरों के मुकाबले में सबसे अंतिम में आ रहा है। इसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में काफी कहासुनी भी होती है। विपक्ष लगातार सरकार को सुनाने की कोशिश करती है कि आखिरकार आपका प्रदेश और पटना जो है वो इस तरह से कैसे पिछड़ सकता है, कूड़ा कचरा इतना ज्यादा फैला हुआ है, आम लोगों को भी दिक्कतें होती है। लेकिन अब सरकार और नगर निगम ने कमर कस ली है, पटना को चकाचक बनाने की ठान ली है और कई सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पटना शहर को चकाचक बनाने का रोड मैप किस तरह से तैयार किया गया है और कौन इसके पीछे काम कर रहा है। पटना शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए ज्यादा मजदूर सफाई करेंगे। इसके लिए हर एक वार्ड में सफाई कर्मी की संख्या बढ़ाई जा रही है। हर एक वार्ड में 500 की आबादी पर एक सफाई मजदूर होगा। सफाई मजदूरों और घर घर से कचरा संग्रहण करने के लिए अलग अलग मानव बल होंगे। शुक्रवार को पटना नगर निगम महापौर सीता शाहू की अध्यक्षता में हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, यानी कि नगर निगम की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि पटना को फिर से साफ सुथरा और चकाचक बनाना है। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा है कि वार्डों में सफाई मजदूर बढ़ाए जाने के निर्णय से शहर को साफ सुथरा रखने में सहायता मिलेगी। जनसंख्या के आंकड़े के लिए पुराने जनगणना के आंकड़े को आधार बनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 2.5% बढ़ोतरी का आंकलन कर मजदूरों को रखा जाएगा। बताते चले कि पटना नगर निगम में लगभग 6,500 सफाई मजदूर पहले से ही कार्यरत हैं। इनमें से 4,500 पटना नगर निगम के दैनिक मजदूर हैं, जबकि 2,000 मजदूर आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए हैं। और अब योजना ये भी हो रही है कि 3 मॉल बनाए जाएं, जिसके लिए दोबारा टेंडर पास होगा। भंवर पोखर, मछुआ टोली और प्रेमचंद गोलंबर के नजदीक पटना नगर निगम की जमीन पर मॉल बनाया जाना है। तीनों जगहों पर मॉल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा पूर्व में टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन मॉल निर्माण के लिए जरूरी रेरा से अनुमति नहीं प्राप्त हुई थी। इस कमी को देखते हुए नगर निगम द्वारा पुराने टेंडर को रद्द करते हुए दोबारा से टेंडर करने का निर्णय लिया गया है। 3 मॉल बनेंगे तो शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। साथ ही साथ पशुओं का अस्पताल यानी कि वेटरनरी हॉस्पिटल बनाने की भी सोची जा रही है। आवारा पशुओं के लिए बंध्याकरण सहित अन्य इलाज के लिए अस्पताल का निर्माण बैरिया में किया जाएगा। पटना नगर निगम इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी कि बुडको नगर निगम की जमीन पर पशुओं का अस्पताल तैयार करेगा। इसके लिए बुडको के पास 3 करोड़ रुपए मौजूद है। नगर आयुक्त ने कहा है कि आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए फिलहाल निगम 3 कमरों की व्यवस्था कराने जा रहा है। इन कमरों में पीपल्स फॉर एनिमल्स यानी कि PFA जल्द ही अस्पताल का संचालन शुरू कर देगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बैरिया कचरा डैम्पिंग केंद्र से अगले 12 महीने के अंदर वर्षों से जमा कूड़ा कचरा हटा लिया जाएगा। कचरे के पहाड़ को समतल बनाने का काम पूरा हो चुका है। अब कूड़ा कचरा में से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए निगम ने दर तय कर दी है। इसके लिए एजेंसी का भी चयन किया जा चुका है। पटना नगर निगम प्लास्टिक कचरा निस्तारण कार्य करने वाली एजेंसी को 610 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की दर से भुगतान करने पर भी राजी हो गई है। तो सरकार और नगर निगम की तरफ से पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है कि पटना शहर को किस तरह से साफ सुथरा बनाया जाए। उम्मीद है कि अब किसी भी इंडेक्स पर पटना पिछड़ा हुआ ना दिखाई दे, चाहे वो साफ सफाई का मामला हो या फिर प्रदूषण नियंत्रण का मामला हो, हर चीज में पटना अव्वल आए, ऐसी सबों को उम्मीद है। देखने वाली बात यह होगी कि लोगों की उम्मीद पर पटना नगर निगम कितना खड़ा उतर पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।